एक्टर्स बड़े से लेकर छोटे क्रिएटर के साथ आजकल एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है कि उनके जो पहले के एवरेज व्यूज आते थे पर एक वीडियो पे, लेकिन आज वो व्यूज नहीं आ रहे हैं। किसी के सब्सक्राइबर जो है वो डिक्रीज हो जा रहे हैं या काउंट ही नहीं हो रहे हैं या एकदम बहुत ज्यादा कम हो जा रहे हैं और ना ही वो बढ़ रहे हैं। तो ये काफी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सचिन भाई ये क्या प्रॉब्लम है, हमारे चैनल के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले जो हमारे व्यूज थे वो 2-3 हजार आ जाते थे और आजकल हमारे व्यूज वो 500 तक नहीं जा रहे हैं। काफी बड़े बड़े चैनल के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी जिनके व्यूज लाखों में आते थे, आज उनके व्यूज 10 हजार भी नहीं आ रहे हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, मेरे जो पहले एवरेज व्यूज थे वो 3 से लेकर 5 हजार तक व्यूज आते थे, लेकिन मेरे चैनल पे ये प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने यूट्यूब से भी बात की तो यूट्यूब ने खास मुझे नहीं बताया, लेकिन इस प्रॉब्लम का मैंने अपने आप सोल्यूशन निकाल लिया था कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वीडियो पूरा आपको मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप देखेंगे मेरी कई सारी ऐसी वीडियो है जो 2000 तक नहीं पहुंची है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से जो मेरी वीडियो थी उनकी रीच ही नहीं जा रही थी, उन पे व्यूज ही नहीं आ रहा था, यानी कि उनका जो इंप्रेशन था वो ही लोगों के पास नहीं जा रहा था। यानी कि लोगों के पास जब वीडियो जाएगी तभी उस पर क्लिक आएगा। जब यूट्यूब की तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही थी तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि भाई ये क्या हो गया, अचानक इतने ढेर सारे व्यूज मेरे आते थे इतने कम हो गए, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था और हर एक बंदे के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके चैनल पे कोई भी प्राइवेट वीडियो हो, आपके चैनल पे ऐसी वीडियो हो जो प्राइवेट हो या अनलिस्टेड हो, सबसे पहले क्या करना है, या तो उसको डिलीट कर देना है या उसको पब्लिक कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका चैनल यानी कि रीच उसकी रुक जाएगी, क्योंकि यूट्यूब यानी कि इस चीज को बहुत ज्यादा देख रहा है कि आपके चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो जो प्राइवेट है और मेरे चैनल पे कम से कम 100 से लेकर 120 वीडियो जो थी वो प्राइवेट थी, इसकी वजह से जो मेरा चैनल की रैंकिंग थी वो भी रुक गई थी। तो मैंने क्या कर दिया था, उन सारी वीडियो को मैंने पब्लिक कर दिया, कोई भी वीडियो मैंने प्राइवेट नहीं रखी। अगर आप कोई वीडियो प्राइवेट रखते हैं उसको पब्लिक करना नहीं चाहते हैं तो उस वीडियो को आप सिंपल डिलीट कर देना, तुरंत डिलीट कर देना। और दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूं, स्पैम कमेंट और लाइकली स्पैम। तो ये कमेंट है इनको आपको डिलीट करना है। इनको कैसे डिलीट करना है, क्योंकि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा स्पैम हो जाता है तो आपके चैनल की जो रीच होती है, आपकी वीडियो की जो रीच होती है वो रुक जाती है, वहां पर रैंकिंग वहां पर रुक जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके चैनल पर जितने भी स्पैम कमेंट है सबको डिलीट कर देना है एक तरफ से। वो कैसे करना है, आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में, क्रोम ब्राउजर जाके आपको अपना चैनल ओपन कर लेना है। वहां पर एक कम्युनिटी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो वहां पर दो ऑप्शन होते हैं, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन होता है लाइकली स्पैम और उसके पड़ोस वाला जो बीच वाला ऑप्शन होता है उसमें, यानी कि यूट्यूब उसको देखता है कि वो स्पैम है या नहीं है, यानी कि वो सारे कमेंट आपको डिलीट कर देते हैं, दोनों सेक्शन के सब कमेंट आपको डिलीट करना है। अगर आप वहां से करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं, नहीं तो आप YT स्टूडियो नाम का जो ऐप है वहां पर आप जाके मोर कमेंट पे नीचे क्लिक करेंगे आप तो ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाइकली स्पैम का। तो नीचे जो ऑप्शन है वो पब्लिक कमेंट वाले को नहीं करना है, नीचे जो ऑप्शन है लाइकली कमेंट और हील्ड स्पैम वाला, तो उनको यानी कि पूरा एक एक तरीके से आपको डिलीट कर देना। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी यानी कि चैनल के अंदर की प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। और मैंने भी ऐसे ही किया था, मेरे चैनल पे यही प्रॉब्लम आ रही थी, पहले तो मैंने सारी वीडियो पब्लिक कर दी और जितने मेरे पे स्पैम कमेंट थे, जितना भी स्पैम मेरे चैनल पे हुआ था उसको मैंने सारा सबको डिलीट कर दिया। जो ये दो काम पहले आपको करना है। और तीसरा काम आपको मैं बता देता हूं क्या करना है, आपको अपने चैनल पे लाइव आना है, आप 1 या 2 घंटे की लाइव जरूर करना, हफ्ते में आपको 1 या 2 बार लाइव कर लेना। उसके बाद देखना आपकी जो वीडियो की रीच होगी, जो आपकी प्रॉब्लम होगी सब्सक्राइबर डाउन की, सब्सक्राइबर डिक्रीज की, व्यूज डिक्रीज की, व्यूज ना काउंट होना, व्यूज कम आना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हफ्ते में 1 से 2 बार लाइव करना या एक ही बार लाइव करके देख लेना, उसके बाद जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी रीच अच्छी हो जाएगी, वीडियो जो आपकी होगी वो आगे तक जाएगी, उसमें अच्छा खासा व्यूज आएगा। और लाइव क्यों करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ये प्रॉब्लम आ रही है वॉच टाइम की वजह से। अगर आप लाइव करेंगे तो आपके लाइव से बहुत अच्छा खासा वॉच टाइम मिलेगा, क्योंकि जो आपने वीडियो प्राइवेट की उनसे एकदम जो वॉच टाइम था वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, यानी कि जब वो वॉच टाइम डाउन हुआ था तो इसकी वजह से, क्योंकि वॉच टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारी वीडियो को आगे ले जाने के लिए, हमारे चैनल को आगे ले जाने के लिए, तो इसकी वजह से जो वॉच टाइम था वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, हमें उस वॉच टाइम को सही करना है। अगर आप 1-2 लाइव हफ्ते में कर लेते हैं तो आप हफ्ते में जितनी वीडियो नहीं डालेंगे उससे ज्यादा आपको उन वीडियो से वॉच टाइम मिल जाएगा, तो आपकी वीडियो की रैंकिंग वहीं से अच्छी हो जाएगी। बस ये 3 काम करना, पहला क्या करना, आपकी जो प्राइवेट वीडियो उनको पब्लिक कर देना या डिलीट कर देना, दूसरा करना जो आपके चैनल पे स्पैम कमेंट है उनको जाके फौरन डिलीट कर देना, जितना भी कमेंट है सबको डिलीट करना एक एक करके, और तीसरा काम आपको लाइव आना है अपने चैनल पे। अपने चैनल पे लाइव आएंगे और ऑडियंस से कहना कि भाई जो बेल का आइकन है वो भी दबा लेना, क्योंकि बेल के आइकन में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो बेल का आइकन लोगों ने दबा के रखा था उस वो यानी कि वो ऑटोमेटिक हट जा रहा है, तो लोगों से बोलना कि भाई बेल का आइकन दबा लेना, तब उनके पास नोटिफिकेशन जाएगी और ब्राउज फीचर में
तो बीट हो जाएगी, क्योंकि यही स्पैम हो रहा था, यही प्रॉब्लम आ रही थी हमारे चैनल पर, और इसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया। मेरे चैनल पर यही प्रॉब्लम थी, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो अच्छा खासा चल रहा है, यानी अच्छा खासा व्यूज आया था मेरी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अच्छा खासा व्यूज आ रहा है पहले के हिसाब से। और गाइस अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करना, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्टोरी मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात करनी हो तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन प्रमोशन के लिए नहीं। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मेंशन स्टोरी कर देते, बाद में बोलते हैं कि भाई हेल्प कर दो, प्रमोशन कर दो, तो भाई इसके लिए मैसेज ना करना वहाँ पर। तो आई होप गाइस आपके सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी, इनको फौरन जाके अपने चैनल पर फॉलो करना, फिर देखना उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई हो और वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे YouTube से रिलेटेड वीडियो रोजाना लेके आता रहता हूँ, रोजाना 8 बजे आपको सुबह वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपका दिल कर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।